नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजासम में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। साथियों, MRC मुद्दे को लेकर, ठीक है, MRC मुद्दे दो याचिका डाली गई थी। पहली जो याचिका डाली गई थी वो लोहा सिंह के नाम से डाली गई थी और इसमें 484 याचियों वाली ये याचिका थी। भारी भरकम याचियों वाली ये याचिका थी लोहा सिंह के नाम से। और इस याचिका में बताया गया था कि किस तरीके से जनरल कैंडिडेट को MRC के नाम पर फ़ायदा पहुंचाया गया है और 34,500 के ऊपर जितने भी जनरल कैंडिडेट भरे गए ये सारे नियमों को ताक पर रखकर भरे गए हैं, ये इस याचिका में बताया गया था। साथियों इस याचिका में सरकार की तरफ से देखा जाए तो रणविजय सिंह ने साफ साफ कहा कि इस पर सरकार काउंटर लगाएगी। उन्होंने समय मांगा तो जज साहब ने इस याचिका को जुलाई में लगा दिया। कब लगा दी? जुलाई में। और इस पर प्रशांत चंद्र सर ने भी इस पर सहमति जता दी जुलाई में। तो अब क्योंकि देखिएगा, आपको भी पता है कि 18-20 तारीख के बाद हाईकोर्ट की भी छुट्टी होने वाली है, ठीक है, छुट्टी समथिंग 10-12 दिनों की छुट्टी रहेगी, 15 दिनों की। तो जुलाई में लगा दिया गया इस केस को उठाकर। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन अपील की जो सरकार की दायर होने। देखिएगा, सभी लोग सोच रहे हैं कि मॉडिफिकेशन अपील पर सरकार 19 तारीख तक हो सकता है सुनवाई हो जाए इसकी, पर मैं आपको बता दूं 19 तारीख को भी सुनवाई नहीं होगी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सरकार अब उस मामले को अब और लंबा खींचने वाली, क्योंकि जो स्कूल खुलने हैं प्राइमरी के वो 15 अगस्त से खुलने की डेट दी गई है, 15 अगस्त से, ठीक है। सरकार नहीं चाहती कि पहले से नियुक्ति पत्र दी जाए और उसके बाद इनका पेंशन मतलब इनकी इनकम जो है चालू हो जाए। तो सरकार पास वैसे भी बजट नहीं है रुपयों का, तो सरकार ये चाह रही है कि जितना लास्ट में इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए जब स्कूल खुलने हो तभी सही रहेगा। अब सरकार इसमें थोड़ी ढीली हो गई है और सरकार अब इस मामले की सुनवाई मेरे हिसाब से देखा जाए तो जुलाई में ही होगी। अब इस बात को कोई माने या न माने, जो सच्चाई है वो सच्चाई को मैं बता रहा हूँ। इस मामले की सुनवाई जो होगी वो जुलाई में होने वाली है, ठीक है। और भोला प्रसाद एंड जो अदर वाला केस था उसको भी जैसा आपने उठा के अगस्त में लगा दिया है, शिक्षा मित्र वाला, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी केस लगाए जा रहे हैं सारे जुलाई या अगस्त में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडिफिकेशन अपील पर आप कितना भी ट्विटर पर ट्रेंड कराइएगा, जो लोग आज कराने वाले तो कितना भी कराइए। देखिए, छुट्टी है, सभी को मालूम है कि 18 तारीख से लेकर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, पर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ स्पेशल बेंच बैठती है। इस वजह से अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर सुनवाई करा सकती है, परंतु सरकार सुनवाई नहीं कराएगी। और सरकार अब ये सोच रही है अब इस मामले को सीधे जो 14 जुलाई डेट लगी है उसमें ही सुना जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं पर फाइनल होना है, तो जो कुछ होगा वहीं पर हो जाएगा। उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें पार्ट नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जिला आवंटन करा के, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कई याचिकाएं डाली गई हैं, 20% महिला आरक्षण को लेकर डाली गई, तो मैं आपको बता दूं वो खारिज हो जाएगी। इसके अलावा 3% से 4% जो कोटा था दिव्यांग वालों, इस याचिका में जरूर दम है, ठीक है, इस वाली याचिका में दम है, क्योंकि जो उनका अधिकार है 4% तो उनको मिलना चाहिए, तो उनको वहाँ पर 3% मिला है, ठीक है। अभी देखते जाओ साथी, इसमें और कई केस होने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। अभी मुझे लग रहा है एक केस ऐसा ही बनने वाला है कि लोग कह रहे हैं कि RED और साइंस एड की मेरिट को अलग अलग तरीके से बनाया जाए जिला आवंटन सूची के तौर पर। अब देखते हैं केस करने वाले कई हैं, क्योंकि हर किसी को यही नौकरी दिखाई दे रही है, इसके बाद आस बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या आप भी देख रहे हैं BED NIO DLS सारी सभी संख्या इसमें सम्मिलित होने वाली है, तो इस वजह से मान के चलिए इसमें भारी भड़कम भीड़ होने वाली है। क्योंकि सबसे बेस्ट जो नौकरी UP में मानी जाती है वो शिक्षकों की ही नौकरी मानी जाती है, टीचरों की ही नौकरी मानी जाती है। इस वजह से एक जो धड़ा जो पहले SSC रेलवे की तरफ जाता था अब वहाँ से हटकर अब टीचर वाली लाइन में आ चुका है अधिकतर, तो अब इसमें कंपटीशन है। और जो लास्ट में अभी भी रह गए हैं ना साथी, तो उन्हें ये लग रहा है किसी भी तरीके से इसमें नौकरी पा लिया जाए, कहीं 22,000 सीटें जुड़वा कर नौकरी पाई जाए। तो शिक्षा मित्र भी लगे हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं जैसे तैसे नौकरी बचा ली जाए साथी, ठीक है। साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल साथ नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और मेरे साथी हमारे चैनल साथ जुड़ सकें।